तलाक दे देते हैं किसी चीज़ में, खाने में नमक कम है या कोई चीज़ सही से नहीं हुई तो तलाक दे दिया, ऐसे प्रताड़ित कर देते मुस्लिम महिलाओं को। तो मैं और हम सब मुस्लिम महिलाएं मोदी जी का और हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरह से इस बिल के आने से पहले मुस्लिम ख़वातीनों के सर पे हमेशा तीन तलाक की तलवार लटकी रहती थी, उन्हें डर रहता था कि कभी भी उनकी ज़िंदगी नर्क बन सकती है, जहन्नम बन सकती है। लेकिन मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सभी मुस्लिम ख़वातीनों की तरफ से कि उन्होंने ये मोदी जी जो है ये तीन तलाक का बिल लेकर आए और जो है मुस्लिम महिलाओं को इज्जत की ज़िंदगी जीने का हक दिया। मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। जिस दिन से मोदी जी ने तीन तलाक के कानून को पास किया है उस दिन से कम 82% मुस्लिम महिलाओं को बहुत सुकून मिला है और वो अपने घर में सुकून और सब्र से ज़िंदगी बसर कर रही हैं बगैर तकलीफ़ और बगैर फिक्र के। हमारे शोहर हमें तीन तलाक की धमकी देते हैं कि तीन तलाक दे देंगे। तब से मोदी जी ने ये निकाला है, तब से वो डर गए हैं। अब नहीं बोलते, हम तो बहुत खुश हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने हम महिलाओं के बारे में इतना सोचा। एक साल हम मुस्लिम ख्वातीनों को तीन तलाक तलाक की इज्जत से आज़ादी मिले हो गए हैं, इस मुल्क को वो और अच्छे तरीके से संभाल सके ये हमारी दुआएं हैं हम मुस्लिम बहनों की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा खुशी का एहसास के साथ। शुक्रिया।